أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتؤخرهم تطهيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الوقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أما بعد तो लाब अजीज अल्लाह ताला तुम बार गहम बे इंतहा शिक्र सना कि अज दु तुम तोफ़ी दरूसन हूँ सिलसिल शुरू कर काल पे वो सोचान शुरू करो आज गुक दर्स कुरान फहमी मुतलक ते اذل سلاسمه كارب بيش احديث شريفك فرموا جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واترتي اهل بيتي وما ان تمسكتم بها فلن تضلوا بعدي ولن يَفْتَرِقَ حتى يرضى علي الحوض <applause> يا حديث الشريف شو مشهور حديثي سقالين كناو كانت باتفاق با شيء تمام جماعته أهل الإسلام ومنزه نقل كرمت رواية كرمت تو رواية شوات مزه تواتر كيس حدستان تقريبا مدينة سندر آخر زمان اسمه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموموت

वमा तो इन तमसख तुम बिहा अगर तु य दौनवें सत मसिक रूजिव यानी यरव कर दामन छुड़ू नसि पुस्त बल्कि रूस यव किरान नशायत हासिल कर फलन बादी।

यह मुमकिन कं रटि अहलब त्रावि तिशन मुमकिन योनवे अक्स सट दौनव इन रटन अगर दटो क्क पैरवी करो इंसान हम तो हिदायत लब क्या आख अगर अड़ान ब्या तक तफसर अगर अर सामिथ कन वो क़रान Beyakşı Kur'an'ı natiq. Kur'an-ı Şerif yüz kitab çe. Don fitan darmiyan. Soçı samit tatçın zaban. Soçı zaban rus kitab. Mager ahli bayi tüm çe. Tüm çe Kur'an'ı natiq. Yani tüm anmaz şu nutuk. Tüm çe hakan kalam kirit. Yitim kalam karın. Soaysi Kur'an-ı Şerif uktafsir. Tam iştavil. Tüm تمك مانا تمشي واري اسرين تاتم شواري موزوات تمان موزوات هنس بويرزان تمان هنس علم چو صرف راسخون في العلم النشي يمزن اهل بيت اطهار علم صلاة والسلام چو لحظا چو نتيجة هن امها کن نشي جدا گست ناقه کس نشي جدا گست نوك مطلب كي نشي جدا غاسنو شو इस आग चीज ब्या त्रह रो बी ग्रह मुमकिन क्यों ये मिल रटे की तेल दोनव हत्ता ये हम जुदा तो तोतान ये रिदा योत्म दापस वाला हवज मे नौजिक कवसरस प्याट आस मूजूद दोनवे चीज कर रुजू मे नश वापस तो तो हकन के किस नशी जुदा गश्त के बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि हम बात जो करेंगे वो उर्दू में करेंगे इसलिए मैं जो कुछ अब तक मैंने बोला वो मैं उर्दू में रिपीट करता हूँ फरमाया रसूल वसल्लम ने कि फी फीक़लैन बेशक मैं ए, मेरी उम्मत तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ दो शक्लैन दो भारी चीज़ें दो अजमत वाली चीज़ें दो गार कदर चीज़ें और वो गर कदर चीज़ें जो हैं अजमत चीज़ें जो हैं वो है एक किताबुल्लाह यानी कुरान शरीफ़ इतरती आहलुबैती और मेरी अतरत मेरी प्रोजेनी, जो कि बैत है मेरे और ये दोनों वमा मा इन तमस्क तुम भी हिमा, जब तक आप लोग इसके साथ मुतमस्क रहोगे इनकी पैरवी करते रहोगे इनसे हिदायत हासिल करते रहोगे इनके पीछे पीछे चलोगे फ़लन तजिलुबादी मेरे बाद जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा उसके बाद आप किसी सूरत में लन लन हरफ तकीद है लफ्ज़ तकीद है लन तजिलु हरगिज़ नहीं आप गुमरा होंगे ताकिद लन नफ़ी ताकिद यानी नफी, नफी बात की करना ताकि के साथ किस चीज़ से लन कल में लन से लन तजे किसी सूरत में आप गुमराह नहीं होंगे मेरे बाद वाला ये अफ्तरी ये भी याद रखिए कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे हता एरिदा दा हाउस तब तक जब तक ये लौट के आएंगे मेरे पास उस वक्त जब मैं हौज़िक अवसर पर इंतज़ार करता हूँगा तो ये मेरे पास आएंगे तब तक ये एक साथ होंगे तब तक ये जुदा नहीं हो सकते हैं कोई एक चीज़ को पकड़े एक चीज़ की मुताबत करे एक चीज़ की पैरवी करे दूसरे की तरफ पेट फिरे, दूसरे से लातालुक रहे या दूसरे को भूल जाए या दूसरी चीज़ को ले ले और पहली चीज़ को भूल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा हो नहीं सकता अब यहाँ एक कलमा इजाफ़ा किया है अली हिंदी ने जिनकी किताब है कंसराम जो तकरीबन वही दर्जा रखती है सुन्नत बाई के दरमियान जो हम अहिल तशी के के दरमियाँ शिया की है जिस तरह शिया है जाम यानी सब के सब हदीस हैं उसमें जमा हैं कुतब अरबा की जो हमारी चार किताबें हदीस की काफी है और तहज़ीब है अल इसफ़ार है और जहाँ शेख सदुक की जो है कि जहाँ मैं होगा ना होगा मलाजरहुलफ़ी जहाँ फ़ीर हाज़िर नहीं होगा तो इस किताब से हम फ़ीर की जो ज़रूरत है फ़ीर की हमें जो ज़रूरत वही इस किताब से पूरी हो सकती है ये चारों किताबों की जाम हमारे पास शिया है लेकिन आहल हजरात के पास इसी दर्जे की इसी तरह सुहाई सत्ता जो उनके पास हैं तो वो सब की सब हदीसें जमा की हुई हैं। हिंदी ने रामतल और उस किताब का नाम है कंज़ुल उम्माल। कंज़ुल उम्माल की जल्द एक मैं में चवालीसवें सफ़े पर इस हदीस के साथ एक कलमा का इजाफा है और वो ये है कि फ़न जुड़ो ख़्याल रखो देखो कैफ़त ख़लूफ़ूनी कैसे आप लोग मेरी बात के ख़िलाफ़ चलेंगे फ़ीमा इन दोनों चीज़ों के बारे में क़ुरान के बारे में भी और बैत के बारे, बारे में भी कैसे आप मेरी वसीयत को कबूल नहीं करोगे मैंने अर्ज़ किया अभी ये आखिरी ज़माने में रसूल अल्लाह वसल्लम की वसीयत के तौर पर समझ लेना चाहिए मान लेना चाहिए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर आम बात किसी को कहनी है कोई किसी आम आदमी को भी तो उसका भी ख्याल रखा जाता है मोमिन के दरमियान अगर मोमिन हो और जब वो वसीयत हो तब तो बात ही नहीं और जब ये हदीस शरीफ है इसको वसीयत के तौर पर माना जा सकता है और वो भी रसूल सल्लाम की और उनका दर्जा आपको मालूम है खुदा के बाद दूसरा नंबर है खुदा के बाद दूसरा नंबर रसुल्ला का है हमारे दरमियान एहतराम के लिहाज से हिदायत के लिहाज से रहमत के लिहाज से हर लिहाज से तो अब आप अंदाज़ा कीजिए इस वसीयत का कितना पास रखना चाहिए था कितना ख्याल रखना चाहिए था कितनी पासदारी करनी चाहिए थी लेकिन इन दो शक्लैन जिसको शकल अकबर कहते हैं कुरान को और अहिल बैत को शकल असगर कहते हैं तफसर ने ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं तो दोनों फिरकों का या यूँ कहिए कि सभी जमातों का मुसलमानों के इन दो गर कदर चीज़ों के साथ कैसा सलूक रहा आपको मालूम है जानते हैं एक ने अल बैत पकड़ लिए कुरान से मुंह फेरा दूसरे ने कुरान पकड़ लिया बैत को तर्क किया मुमकिन है कोई मुझसे इख्तलाफ रखे लेकिन इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि मैं अपने कौल की तइद के लिए क़ुरान की ही एक आयत लाता हूँ कुरान में मौजूद है कि सूर फुरकान की तीसवीं आयत में अल्लाह ताला तेशन को ये करते हैं व कौल रसूल या रब इन न खजू हादल क़ुरान महजूरा रसूल वसल्लम कहेंगे फरमाएंगे, यानी रोज़ माशर फरमाएंगे, शिकवा करेंगे अल्लाह के सामने अल्लाह के हजूर अल्लाह के हजूर शिकवा क्या करेंगे कहेंगे यार रब ए मेरे रब ए मेरे ख़ुदा ऐ मेरे अल्लाह ऐ मेरे पालन हार इन न कौम तखदू हादल कुरान महजूरा मेरी कौम ने ले लिया इस कुरान को मगर किस सूरत में महजूरा कि इससे हिजरत किए हुए थे इसको तर्क किए हुए थे इनको, इनको इसको क़ुरान को छोड़ दिया था इस तरफ़ जो इसका हक़ बनता था तो देने का इससे अहकाम हासिल करने का इससे हिदायत लेने का वो छोड़ दिया था वो तर्क किया था तो ये आय क़ुरान सर फुरकान की तीसवीं आयत सर फुरकान की सूरतुल फुरकान कि तीसरी आय तीसवीं आयत वर्स नंबर थर्टी चैप्टर कुरान में से तो ये ये फुर्कान की यह आयत जो है मेरे बयान की तस्दीक कर रही है तायद कर रही है कि शिकवा करेंगे रोज माशर, रसूल वसल्लम सुल्ला के इस बारे में अपनी उम्मत के बारे में कि इन्होंने इस कुरान को महजूर करके छोड़ा इसको तर्क करके छोड़ा इस तरफ तो नहीं दी इसका ख्याल नहीं रखा जो मैंने इनके दरमियान छोड़ा हुआ था एक तरीका जैसा एक वर्षा जैसा अपनी तरफ़ से वसीयत के तौर पर तो उस वसीयत का ख्याल नहीं किया हालांकि वसीयत पर अमल करना वाजिब होता है तो वाजिब क्या मुस्ताब तक का ख्याल नहीं रखा उम्मत ने तो ये साबित करता है कि कुरान जो है क़ुरान के साथ हमारा सलूक जो है वो अच्छा नहीं रहा ये एक पहलू है दूसरा जो पहलू है कि क़ुरान किस लिए हमें लेना था क्यों इससे मुतमस्क रहना था उसके लिए पहली ही आयत है क़ुरान की सूरह बकरा में बकरा तो पहली सूरत समझी जाती है सूरह फ़ात तो मफ्ता है कुरान की लेकिन अलबकर पहली सूरत कुछ मुफसरिन के दर दर दरमियान है उनके सामने और उसकी पहली ही दो आयतें बयान करती हैं कि कुरान का मकसद क्या है कुरान को क्यों हमने लेना है कुरान का ख्याल क्यों करना है अदबिलरिम बिसमी अलफलामी दालिताबू लार बफ़ी हदमुतिन अलिफिलाीम हरूफ मुख़्यात मुकत्या, हैं उसके बाद दाल कल किताब ये किताब लार बफी इसकी किताब होने में कोई शक नहीं है और इसका काम क्या है इस कुरान से हमें क्या मिलेगा ये क्या चीज़ है असल में खुद लम्तीन जो लोग मतकी हैं और साहब तकवा हैं खुदा का खौफ करते हैं खैशतल्ला है उनके दरमियान तो उनके लिए हिदायत की किताब है इसे हिदायत हासिल की जा सकती है जो कुरान की तरफ पीठ फेरेगा तो गोया उसने हिदायत से पीठ फेर ली हिदायत को अपने पीछे छोड़ा तो गुमराह तो होना ही है और क्या होगा अब कुरान का मुआजा देखिए कुरान के बारे में कहा जाता है कि जैसे मुआजात पहले अम्बिया को अल्लाह की तरफ़ से अनायत हुए थे पैगम्बर अक्रम सल पर ऐसे मुआजात अल्लाह की तरफ़ से अनायत नहीं हुए मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अला नबी सलाम उनके पास एक आसा था और वह एक छड़ी तो मुआवजे के तौर पर जो ही डाली जाती थी तो वो एक अजदा बनता था और वो वक़्त असल में सहर गिरी का वक्त था फिर उनके ज़माने में लोग शहर जानते थे तो हालात के मुताबिक हर मुआवजा एक पैगंबर को अता किया जाता था तो शहर के माहौल के मुताबिक ये मुआवजा आता हुआ हज़रत मूसा अला नबीना सलाम को कि जो उस वक़्त के शहरगर थे वो रस्सीों को डालते थे और वो सांप बन जाते थे शहर के क़वत से लेकिन रस्सीों वाले सांप को हड़प करने वाली चीज़ अल्लाह ने मूसा को अनायत की और वो हज़रत मूसा अबी सलात वाम का अवसा था वो छड़ी थी जो कि अल्लाह ने कहा था इसको नीचे डालो आप देखोगे तो वो एक फन मारता हुआ एक अजदा बन गया तो अव्वल तो हज़रत मूसाला नबी वाला तो डर गए लेकिन अल्लाह ने कहा डरो मत ये डरने वाली चीज़ नहीं है ये आपके पास मेरी त, मेरी आयत के तौर पर हो रहेगी और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह के अल में पहले से ही था कि फ़िराउन हजरत मूसा के मुकाबले में अपने साहिरों को ले आएंगे जो कि सहर के ज़रिए से रस्सियाँ डालेंगे और वो सांप बनेंगे और ऐसा ही हुआ भी बाद में लेकिन हजरत मूसा ने अपना असर डाल दिया जब अल्लाह ने उसे इलाहम किया वाही की तो हजरत मूसा ने जूँ ही वो असर डाला तो उस अशा का अजदा बन गया सांप नहीं बल्कि अजदा बन गया अजदा को मालूम है वो नगलता है तो उसने सारे के सारे सांप साहिरों के निगल डाले और साहिर सब के सब मबहूत हो गए हैरान रह गए और एकदम से उन्होंने मूसा के हजरत मूसा आ नबी सला वसलम के खुदा पर ईमान लाया और इस तरह से नमरूद का हर जो था वो नाकाम रहा तो दूसरे नंबर पर ऐसे ही दूसरा जो मुआवजा था मिसाल के मिसालें मैं दे रहा हूँ मिसाल के तौर तो पर हजरत ईसा का मुआवज़ा कि वो बीमारों को शिफा व थे मुर्दों को ज़िंदा करते थे क्योंकि उस ज़माने में ज़माना जो था वो तिब का था तिब में तरक्की पाई हुई थी माशरे ने तो चूँकि तिब में ही कोई मौजदा चाहिए था तो सबसे बड़ा मौजदा तो और क्या होना था बग़ैर इसके कि कोई शख्स मरा हुआ हो और उसे ज़िंदा किया जाए कोई शख्स तरह तरह की बीमारी में जैसे बर्श हो बर्श में मुबतला है तो हजरत ईसी नबी सला अपने एक ये कुछ पढ़ के दुआ करने से उसकी बीमारी दूर हो जाए तो ये दो तरह के मौज़े उनको दिए कहा जाता है कि हज़रत महम्मद सल्हलम को ऐसे मौजे नहीं दिए गए हालांकि शक्ल कमर भी एक मुआवज़ा है लेकिन सबसे बड़ा मुआवजा ये नहीं माना जाता सबसे बड़ा मुआवजा माना जाता है उस ज़माने के हालात के मुाफ़ उस ज़माने का माहौल जो था उस ज़माने के मा, का माहौल इल्म अदब का माहौल था इल्म अदब के माहौल में इम अदबा कि शायरी के मैदान में उस वक़्त के अरब लोग बड़े बड़े शायर समझे जाते थे और उस जमाने के अदबी पारे जो हैं आजकल भी मौजूद हैं और बहुत ही अदबी लिहाज से उनका दर्जा बहुत बुलंद है तो इसलिए अदब के मुकाबले में जो मुआवजा तसुर किया जाता है वो कुरान ही है मुमकिन है आपको ये अंदाजा ना हो कि कुरान कितना बड़ा मुआवजा है बयान करता हूँ अभी लेकिन कुरान का चैलेंज था उस वक्त के उलमा के सामने और वो चैलेंज ये था वन खुन तुम फ़िरए बिन ए लोगो अगर तुम शक में हो मिम्मा नज़ल नालाबिना जो कुछ हमने नाजिल किया अपने बंदे पर यानि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर अगर आपको शक हो कि ये मेरा कलाम नहीं है अल्लाह का कलाम नहीं है ये नाजिल नहीं हुआ है मोहम्मद सल्लास ने अपने तौर पर गढ़ लिया है जैसा आप लोग कहते हो फातु भी सूरत ज़रा एक सूरत लियाओ में मिसली ऐसी जैसी कुरान में है एक सूरत और उसके साथ वद शहदाकुम साथ में शाहिद लाओ मिन्दून लाला के बग़ैर इन कुन तुम सवादीन अगर आप सच बोलने वालों में हो सच बोलने वालों वालों में हो तो फिर एक सूर बना के लाओ दूसरी जगह एक आय बना के लाओ तो लेकिन तब से लेके आप तक देख आज तक देखिए कितना ज़माना गुजर गया और आज तक भी कोई शख्स क्या लोग मिलकर भी एक सूर के जैसी कोई सूरत बना के सामने नहीं ला सके आजिज़ हो गए क़ुरान के इस अदब के अदबियत पे उसके मुकाबले में चैलेंज किसी ने कबूल ही नहीं किया सूरत क्या लाते, लाते? चैलेंज ही कबूल नहीं हुआ और अल्लाह ने साथ में फ़रमाया फ़ही लमता फ़ालो और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे वलन फ़ालो और हर किस नहीं कर पाओगे अगर नहीं कर पाओगे और हर किस नहीं कर पाओगे फतकुन नार अल्लती पस डरो उस आग से अल्लती वक़ूद जिसका ईंधन लोग होंगे वाल हजारत और पत्थर होंगे लिल आफरीन जो कि कुफार के लिए तैयार की हुई है सूर्य बकरा की तेईस और चौबीसवीं आयत दो आयतें हैं ये क़ुरान की जो कि एक चैलेंज था उस वक्त के उदबा शरा के लिए एक चैलेंज अल्लाह ताला की तरफ़ से लेकिन ये चैलेंज किसी ने कबूल ही नहीं किया पूरा करनी तो करने की बात तो अलग रही ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए कि क़ुरान एक अजीब गरीब कलाम है इंसान के बस की बात नहीं है ऐसा कलाम पेश करना या ऐसा कलाम ज़ुबान से निकालना इसका मुआवजा ये है कुरान का कयामत तक क्योंकि आखिरी शरीयत है इस्लाम इसलिए इस आखिरी शरीयत की जो आखिरी किताब है ये आखिरी किताब भी आखिर तक रहेगी जब तक क़यामत आएगी तब तक ये किताब जो है ये तब तक रेलीवेंट रहेगी किताबें इरेवेंट बाद में बन जाती हैं जमाने के मरूर से ज़मान के हालात से ज़माना बदलता रहता है हालात बदलते हैं तो किताबें इरेवेंट बन जाती है लेकिन कुरान का कमाल ये है कि क़ुरान इस चैलेंज के मुताबिक कभी इ नहीं होगी ये क़्यामत तक रिलेवेंट किताब रहेगी वो कैसे वो इस तरह से कि कुरान की हर आयत में मानी के लिहाज से पढ़ते हैं तह दर तह परत दर परत जो माना है कुरान के वो मौजूद हैं जमाने बदलते जाएंगे हर ज़माने के साथ साथ नए नए मानी जाहिर होते जाएंगे जो मानी किसी आयत के मिसाल के तौर पर आज से हज़ार साल पहले हमारे मुफस्सरीन निकालते थे उनके सामने जहूर था उन आयात के मानी का आज के ज़माने में वो मायने तब्दील हो गए हैं ये नहीं कि मायने तब्दील हो गए बल्कि यूँ कहा जाए कि तब ये माना की नज़र में नहीं थे आज मा की नज़र में आ चुके हैं आकाश हमने रास से खून फिर का दामन पकड़ लिया होता जिनके पास क़ुरान का तमाम इल्म था कुरान के तशात मुहकमात, नासिख, मनसूख वगैरह वग़ैरह चीज़ों का इलम था तो उनसे हमने कुरान के मान लिए होते और वो हर ज़माने के लिए रेलेवेंट होते तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि कुरान के मानी वक्त के साथ साथ पर्दर पर्द निकलते जा रहे हैं और हमारा मानना ये है और आज तक के ज़माने ने भी साबित किया आइंदा ज़माना भी साबित करेगा कि नए नए माना क़ुरान के जाहिर होते जाएंगे और कभी ये किताब इवेंट नहीं बनेगी इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है जजात नबी फरावा आस्त नबी अलैहि वसल्लम के मुआजात फरावा हैं बहुत सारे हैं यकी आज मुआजात कुरान अस्त इन मुआजात में से एक कुरान है मैं ये, मैं ये कहूँगा ये मैंने कह भी लिया और सभी मुतफ़ इस बात पर यह क़ुराना में से एक नहीं है बल्कि मोजात में से सबसे बड़ा मुआवजा जो है वो यही क़ुरान है मज़ात नबी फरावास्त ये के अज मुआ कुरानस हमारी मुश्किल ये है कि चूँकि अरबी ज़बान में है और हम अरबी नहीं जानते हैं अरब लोग अरबी जानते हैं और वो भी सही माना कुरान के नहीं जानते हमारी तो बात ही नहीं काश हमने ये ज़बान अपने जो भूलने वाली कोठरी में मुंतकल ना की होती इसको याद रखने के लिए इसे तज़क़ुर हासिल करने के लिए इसे हिदायत हासिल करने के लिए हमने अरबी को अपनी ज़ुबान अपनी जानी हुई ज़बान अपने पास रखी होती अपने वर्षे के तौर पर तहजीबी वर्षे के तौर पर तो कुरान वाकन हमारे लिए हिदायत बन चुकी होती अल्लाह करे इन ये जो कुरान फहमी के दरुस हैं इसमें असल में हमें कुरान को समझना है और इसकी ज़ुबान पे अबूर हासिल करना है ताकि हम कुरान को समझ लें और फिर कुरान से हिदायत हासिल करें आमीन या रबीन